तो बड़ी बड़ी सभाओं में नेताजी को भाषण देते तो आपने खूब सुना होगा। दफ्तरों में बैठकर प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नेताओं को खूब देखा होगा। इन सब से अलग नेताजी का दूसरा रूप आज हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी से सटे चोमू विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर विधायक रामलाल शर्मा इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन में एक और जहां विधानसभा क्षेत्र में रोजी रोटी के संकट के चलते भूख से जूझ रहे लोगों के लिए चोमू में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जरूरत के हिसाब से लोगों के घरों तक खाने के पैकेट भी पहुंचाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेजुबानों की पीड़ा को समझते हुए विधायक खुद पिकअप चलाते हुए खुले में विचरण करने वाले पशुओं को चारा भी खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के चलते घरों में बंद लोगों की समस्याओं को समझते हुए विधायक खुद ट्रैक्टर ट्रॉली में सब्जियां भरकर कॉलोनी में घर घर जाकर सब्जियां बांट रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत के चलते खुद जयपुर से 4000 लीटर सैनिटाइजर लाकर वार्डों में पहुंचाया। विधायक रामलाल शर्मा की अपील पर चोमू क्षेत्र के कई भामाशाह भी लोगों की मदद में खुले दिल से आगे आए हैं। वैश्विक संकट की इस घड़ी में यदि हर जनप्रतिनिधि समाज सेवी इसी सोच और संकल्प के साथ मैदान में उतरे तो भारत देश कोरोना की जंग आसानी से जीत सकता है। तो एक दूसरा इंसान उसके लिए तैयार है, लेकिन इन बेजुबान पशुओं की व्यवस्था के लिए मेरे मित्र जय किशन कुमार जो लक्ष्मी क्रेन के प्रोवाइडर है, इन्होंने अपने जिम्मा लिया है और आज मैं भी इन्हीं के साथ पूरे दिन भर के अंदर चोमू नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु है ये पशु जीवित रहे इसके लिए चारा डालने का काम हम कर रहे हैं। और मैं चोमू वासियों से चाहूँगा कि आप भी कम से कम इस संकट की घड़ी के अंदर एक दूसरे का साथ देकर और इस पूरे कार्य के अंदर अपना सहयोग करें। धन्यवाद।